अभी सुबह के 5:47 हुए हैं और हम निकल रहे हैं नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। गुड मॉर्निंग, दिस इज अंजलि लाइव फ्रॉम गोवा एंड दिस इज डे 4 इन गोवा। क्या है, व्हाई डू यू लाफ? आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन अगर कहीं जाना है तो यस आई एम डेफिनेटली अ मॉर्निंग पर्सन। तो मैं 5 उठी हूँ, उसके बाद से रेडी वेडी होके 5:30 निकले हैं। जो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 8 ओपन होता है और वहाँ पहुँचने के लिए भी 2.5 आवर्स लगते हैं। तो हमने सोचा 5:30 to 6:30 to 7:30 मतलब 8 तक पहुँच जाएंगे सोचा है। बट लेट्स सी, अभी थोड़ा उजाला हो गया, जब हम निकले थे तो बहुत अंधेरा था तो आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग। तो 8 तक हम होप कर रहे हैं दैट वी विल बी रीचिंग देयर बाय 8 AM। हमने कुछ खाया भी नहीं है, विल स्टॉप बाय टू हैव समथिंग अगर कुछ मिलता है तो। मोस्टली वहाँ पर ज़्यादा जंगल वाला एरिया है तो, और 2-3 चीज़ें अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपका मैप ऑफलाइन डाउनलोडेड होना चाहिए, जो हमने कल कर लिया था। उसके बाद द सेकेंड थिंग इज़ खाने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी तो पानी और खाना आपको लेके जाना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ अपने पावर बैकअप्स वगैरह लेके रखना। अगर आपको गाने सुनने हैं, ऑब्वियसली आपको गाने तो सुनने हैं, तो स्पॉटिफाई को प्रीमियम ले लेना। हम लोग नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उसके बाद हमको सावरी वाटरफॉल जाना है। लेकिन नेत्रावली के गेट से सावरी तक का 3 किलोमीटर तक का यू कैन टेक योर बाइक और कार जो भी। उसके बाद 1 किलोमीटर का ट्रैक है जिससे हम वाटरफॉल पे पहुंचेंगे। वैसे ऑनलाइन लिखा हुआ था कि 8 खुल जाता है बट वो 8:30 खुलता है और आपको टिकट लेनी पड़ती है। 100 rupees आपको कार के देने पड़ते हैं और अगर बाइक में आए तो कम होते होंगे, और 100 rupees पर पर्सन एंड देन 50 फॉर कैमरा इफ यू हैव। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, उसमें से जो एक है सावरी, वहाँ हम जा रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो उसमें और भी है, मेनापी वाटरफॉल भी वहाँ पर। सावरी के लिए सीधे जाना है और मेनापी के लिए लेफ्ट में जाना है, तो इट्स क्वाइट कूल। यहाँ पे काफी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हाँ, आप अल्कोहल नहीं ला सकते। रास्ते में आते टाइम हमारा मैप थोड़ा गड़बड़ कर रहा था क्योंकि डाउनलोड करने के बाद भी आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग। वैसे रास्ता काफी सिंपल है और सेफ जोन भी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी आप मैप डाउनलोड जरूर कर लेना। ऑल्दो इट डिडंट वर्क फॉर अस, मतलब थोड़ा टाइम के बाद काम नहीं किया। हम सावरी वाटरफॉल में एंटर करने वाले हैं। हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, लेटेस्ट स्पॉट टू पार्क योर कार हियर। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखा नहीं मैंने, एक बंदर देखा है अब तक। तो यस, तो ये एंट्री है। बोर्ड भी ऑलरेडी पढ़ सकते हैं और बुक पे काफ़ी आवाज़ें भी आ रही हैं। अगर आप वाटरफॉल में नहाना नहीं है आपको, तो आपको 8 एंट्री मिल सकती है। अगर आपको नहाना है तो आपको 8:30 जाना पड़ेगा। यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता भी है, यहाँ से चले नीचे। यहाँ बहुत दूर आने के बाद हमको वाटरफॉल का रास्ता मिला है। ये है स्टेयर्स, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नैरो रास्ता है। मतलब इफ यू कैन सी द सीरियल व्यू ऑफ वाटरफॉल इज सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। हमें लगा था उतना ज़्यादा पानी नहीं होगा बट बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल है, उतना पानी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट लुक एट द वाटर। हम लोग दूसरे लोग थे, दूसरा सेट ऑफ पीपल जो यहाँ पे आए थे, हमसे पहले जो लोग आए थे वो और भी जल्दी आ गए थे 8 से भी पहले। बट जो टाइमिंग था 8 AM पे आप पहुँच जाओगे फिर नीट टू टिकट। अगर आपको यहाँ पे चेंज करने कपड़े वगैरह तो और तो यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है। हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया है वाटरफॉल को और हमने बहुत सारे
अमेजिंग पिक्चर्स भी ले ली है। अलाउ वी आर वेरी हंग्री क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी किया है, बहुत सुबह निकल गए थे तो हम लोग कुछ खाएंगे। कोई और रिवर मिलेगी तो हम लोग वहाँ जाएंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो बैक टू आवर प्लेस सो दैट वी कैन गेट सम स्लीप। और फिर हमारी कल फ्लाइट है तो हमें फ्लाइट भी पकड़नी है। इफ यू लाइक दिस व्लॉग शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज इट्स हेल्पफुल। इफ यू आर कमिंग टू गोवा, मैं ऐसे प्लेस पे कभी गई नहीं हूँ सो इट वॉज सो एग्जॉटिक ऑल्सो, सो यू कैन कम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमें एक और जगह एक्सप्लोर करनी है सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज इट्स हेल्पफुल। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय।